पिज्ज़ा तो आप सबने बहुत खाया होगा, पर आज मैं आपको जो पिज़्ज़ा खिला चाह रहा हूँ वो शायद ही आपने कभी खाया होगा। तो ये देखिए, इसके अंदर ये खमन का कुछ होता है, फरसान, गुजराती फरसान होते हैं, उसको बैटर बनाया जाता है उसका। ये देखिए, इसको स्टीम करने के लिए रखे जा रहे हैं, इनकी स्टीम की मशीन होती है। इसको डाल दिया है इसके अंदर, अभी इसे पैक कर देंगे, या अभी कुछ देर तक स्टीम होगा, और तब तक हम यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर लेंगे जो हमारे पिज़्ज़ा में यूज़ होने वाले हैं। बहुत ही यूनिक डिश आता है, हमको ट्राई करने वाले हैं। इसके अंदर देखिए, अच्छे से मिक्स करते रहे वेजिटेबल्स को। ये देखिए, ये डिश है, ये इनकी देसी घी है, घी के अंदर पिज़्ज़ा बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, घी के अंदर। ये देखिए, वो स्टीम जो हमने रखा था करने के लिए वो हो चुका है, इसको प्लेट में निकाल दिया इन्होंने। ये इसके अंदर रेड सॉस डाले जा रहे थोड़े। ये देखिए, फिर से घी आ गया, अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, प्रॉपर मिक्स कर दिया गया है ये। अब इसको ये कुछ क्या अलग ही कर रहे हैं, ये देखिए इसके ऊपर वो रख दिया है प्लास्टिक, और आई थिंक ये इसको शेप दे रहे हैं, पिज़्ज़ा का शेप दे रहे हैं। हाँ जी हाँ, देखिए देखो, पिज़्ज़ा का शेप दे दिया उन्होंने, सर्कल बना दिया है। अब इसके ऊपर ये डालेंगे मेयोनीज़। ये देखिए, पूरा मेयोनीज से भर दिया है, ऊपर से चीज़ भी आ गया दोस्तों। ये अमूल चीज़ डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब ये मोज़रेला चीज़ पे चीज़ आ गया है, अमूल चीज़ डाला था उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दिया उन्होंने। अब इसके ऊपर वेजिटेबल जो कट किए थे हमने वो डाल देंगे। ये आ गया हमारा रेड पेपरिका, इसको थोड़ा सा डाल देंगे हम। ये आ गया हमारा ब्लैक ऑयल्स डाल दिया उन्होंने। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े मसाले, ये उन्होंने मसाला डाल दिया अच्छे से। अब उसको स्टीम करने के लिए रखे जाएंगे, ये फिर से ये थोड़ी देर स्टीम करने के लिए रखेंगे, 2 से 3 मिनट में स्टीम हो जाता है। देखिए, पूरा रेडी हो चुका है, पक चुका है हमारा। अब इसको हम निकालेंगे, और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा रेड पेपरिका डाल दिया उन्होंने। ये इसको प्लेट में रख दिया, और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसका नाम है लोचो पिज़्ज़ा, जो बहुत ही फेमस है गुजरात में, सूरत की सिटी में मिलता है ये पिज़्ज़ा। तो अभी हम इसे इसका चीज़ पुल करेंगे, देखते हैं कैसा चीज़ पुल होता है ये। ठीक है, मतलब स्ट्रीट स्टाइल पे ऐसे पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा ही है, और उसे हम टेस्ट भी करेंगे। ये इनका पार्सल का बॉक्स है, देखिए कितना बढ़िया। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पे।